कैसे हैं आप सब? बहुत सुंदर। आज काफी सालों बाद एक बार फिर नरेंद्र नगर में आने का मौका मिला और पर्यटन एवं विकास मेले में आए हुए सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का, वह हमारे नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित करा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव छूट गए, घर बार छूट गए, परदेश जाना मां मेरुहिया भर गए, पहाड़ छूट गए, घर बार छूट गए, परदेश जाना मां मेरुहिया भर गए, पहाड़ छूट गए, प्राण जुड़ गए, माझी का आंसू देखी मेरु दिल टूटी सजक लंबी भे तुलवण के। अरे खुट्यों मा परोले तेरा, एक बार सब एक साथ, अरे खुट्यों मा परोले तेरा, हो गला गुल बंद सजक लंबी भे तुलवण के, हम भी छो तेरा दीवाना, चांदा तो है अख मुंबिक, सजी दो सिंगार तेरा, भला सजेदा क्या भला सजेदा, खुट्यों मा परोली तेरा घुंगरू बजेदा, आ खुट्यों मा परोली तेरा घुंगरू बजेदा, आ खुट्यों मा परोली तेरा घुंगरू बजेदा, खुट्यों मा परोली तेरा घुंगरू बजेदा। अरे श्रीमती जी आज अपना मैत चली गे, अरे श्रीमती जी आज अपना मैत चली गे, घर में देखा, अरे घर में देखा मेरा यारों की दारू खुली गे, अरे घर में देखा मेरा यारों की दारू खुली गे, अरे घर में देखा मेरा यारों की दारू खुली गे, आहा घर में देखा मेरा यारों की दारू खुली गे, अरे श्रीमती जी आज अपना मैत चली गे, अरे श्रीमती जी आज अपना मैत चली गे, घर में देखा यारों की दारू खुली गे, अरे घरवा देखा मेरा यारों की दारू खुली गे, अरे घरवा देखा मेरा यारों की दारू खुली गे। रोहित चौहान जी की बहुत ही सुंदर सी आवाज, और बचपन में बहुत सारा लोग ये इन युग का गीतों पर झूमे होला नाची होला, और अब एक बार फिर से आप सभी का बीच में मीना राणा जी पहुंचन वाली छिन डांस ग्रुप का साथ में। तो कितना लोग नाचने के तैयार छिन, आवाज से बताला थोड़ा सा शोर का साथ में, अभी थोड़ा सा आवाज कम होगी। अच्छा, ये लोग खड़ा लोगों में जोश चार, जो बैठे हैं आराम से ते वो में थोड़ा जोश कम होगी, यान करा आप खड़े वे जा, खड़ा लोगों तो थोड़ा सा सीट दीजिए। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि नवरात्र, शारदीय नवरात्र का सातवां दिन कौन सी देवी को समर्पित होता है, आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ जी, नहीं, सातवां दिन, सातवां दिन। चलिए थोड़ा सा समय और देती हूँ आपको, तब तक सोचिए, और तब तक के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मीना राणा जी को, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे मीना राणा जी का। चलिए, मीना राणा जी की बहुत ही सुंदर सी आवाज के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी अमित खरे जी को, तो सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे अमित खरे जी का। पीछे वाले थोड़ा शोर हो जाए, इधर से, इस साइड से जो पीछे वाले हैं। तो चलिए, कुछ ही देर में अमित खरे जी आप सभी के बीच में होंगे आपका मनोरंजन करने के लिए। अच्छा, कुछ देर पहले एक सवाल मैंने आपसे पूछा था
शारदीय नवरात्र का सातवां दिन कौन सी देवी को समर्पित होता है? तो जो नवरात्र हैं, चार बार आते हैं, इसके जो चार बार हम नवरात्र मनाते हैं, इनमें से जो शारदीय नवरात्र है उसमें सातवां दिन कौन सी देवी को समर्पित है? सातवीं देवी कौन सी है? काल रात्रि, सबका रूप है। अपना नाम बता दीजिए एक बार सभी को। बालकिशोर। बालकिशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगी अमित खरे जी को। अरे काली काली आंख तेरी, आंख सन कांदी कन, चौकियों को तिल भगान, लटुलो डांदी जन। रेडी, वन टू, वन टू थ्री फोर। आप लोग सभी डांस भी कर सकते हैं। अरे रेंदी बड़ी ठड़ी तू, रेंदी बड़ी ठड़ी तू, गौचाली कुटुम लगू मंडाने जवरी को। रेंदी बड़ी ठड़ी तू, रेंदी बड़ी ठड़ी तू, गौचाली कुटुम लगू मंडाने जवरी को। रेंदी बड़ी ठड़ी तू, रेंदी बड़ी ठड़ी तू, गौचाली कुटुम लगू मंडाने जवरी को। रेंदी बड़ी ठड़ी तू, रेंदी बड़ी ठड़ी तू, गौचाली कुटुम लगू मंडाने जवरी को। होय 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 होय, क्या बात है वाह। काली काली रातुमा उजालो खते जोनी को, गोचाली खुटुमा लगू मंडाने जवरी को। रेंदी बड़ी ठड़ी तू, रेंदी बड़ी ठड़ी तू, गोचाली खुटुमा लगू मंडाने जवरी को। तो चलिए अमित खरे जी की आवाज और उनका गीत जितने लोगों को पसंद आया एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस महफिल में चार चांद लगा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अपने लिए तो थोड़ा जोर से बनती है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी रोहित चौहान जी को। तालियों के साथ में स्वागत करेंगे रोहित चौहान जी का। अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, आवाज आनी चाहिए सबकी आवाज डांस के साथ साथ। अरे धन सिंह की गाड़ी, अरे चंबा बजारा, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, अरे चंबा बजारा, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, अरे चंबा बजारा, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, अरे चंबा बजारा, धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, अरे चंबा बजारा। जब दूर धार मा गाड़ी दिखांदी, अरे इस पोला छोरों की पीड़े लग जांदी। अरे फुल बनी गाड़ी भेजी हनुमाटू चलांदी, पेपर च सारे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटी न, अरे चंबा बाजार। तो रोहित चौहान जी की बहुत ही सुंदर सी आवाज आप सभी ने सुनी है और जितने लोग पीछे खड़े मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं, आगे जो चेयर्स खाली हैं उनको फिल कर लिया जाए। जो चेयर्स आगे खाली दिख रही हैं उन सभी को आगे आकर के आप
खाली चेयर्स को भर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है? नहीं, और कोई जवाब देना चाहेगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है? आगे आके कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ जी, एक छोटा सा बच्चा हाथ खड़ा कर रहे, और कोई जवाब देना चाहेगा? सिगरेट इसका सही जवाब है। कितने लोगों को पता था सिगरेट? अच्छा, काफी लोगों को पता था, लेकिन आगे कोई नहीं आया। चलिए, अपने लिए जोरदार तालियां हो जाए फिर एक बार। तो चलिए, ऐसे ही कुछ सवाल आपसे पूछती रहूंगी। अच्छा, हमारे जो ऑडियंस है उनमें से भी काफी लोग होंगे जिनमें हिडन टैलेंट होगा। हिडन टैलेंट समझते हैं, यानी कि हमारे अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन वो जो टैलेंट है वो छुपा हुआ होता है, और बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया के सामने वो टैलेंट दिखाने का मौका हमको मिलता है। तो आज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 47वां जो है सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन मेला यहाँ पर आप सभी के लिए लगा है, तो आप में से कोई अपना हिडन टैलेंट दिखाना चाहता है यहाँ पर? कोई एक बच्चा या फिर बड़ा भी हाथ खड़ा करके, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो यहाँ पर आ सकता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए? हाँ जी, यहाँ से काफी हाथ खड़े गए। यहाँ से कौन आना चाहेगा? सेकंड, थर्ड रो से। अच्छा, ये आ गए। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले तो एक बार। क्या नाम है आपका? आयुष मैम। आयुष, तो क्या टैलेंट दिखाना चाहेंगे आप? रैप करता हूं मैं, रैप। रैप करते हैं तो आयुष, राइट? आयुष जी रैप करते हैं और इनका हिडन टैलेंट हम आज देखने वाले, तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां और शोर हो जाए आयुष के लिए। बहुत कम लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो आगे आ पाए और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा पाए, क्योंकि जब ताली बजाने की बात आती है या कोई हम कहते हैं ऑडियंस में, तो ऑडियंस एक दूसरे को देखती है, अरे वो ताली बजा रहा है मैं भी बजा लेता हूँ, अरे पीछे देखता हूँ पीछे वाले ताली बजा रहे हैं तो मैं ताली बजाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सीधा आगे आकर के अपना टैलेंट दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष दिलवाल, आई एम फ्रॉम कुंजापुरी बड़ेड़ा और मैं जीपीएन का स्टूडेंट हूँ। हमने यहाँ शो करना था अपना, बट यहाँ आपकी बार ओपन नहीं हो रहा, तो इसलिए मैम ने कहा कि हिडन टैलेंट दिखाओ, तो मैं एक छोटा सा रैप करना चाहता हूँ। एक लड़का होता है, एक लड़की को याद कर रहा होता है, और उसके बारे में दो लफ्ज लिखता है और कहता है कि यादों में तू, मेरी बातों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, जैसे बातों में तू, जैसे तू ही थी मेरी अनोखी गुरु, मुझे दिखने लगी हर जगह, तुझे पाना मैं चाहता हूँ कोने नहीं, मेरे मरने के बाद कभी रोने नहीं, बता खेलो दिलों से खिलौना नहीं, मेरे जैसे मिलेगा ना तुम्हें कहीं, देखो सारे हिस्सा बस तू ही नहीं, मुझे देखे बिना आगे सोती नहीं, मैं तो खींचू धुआं और सोचू ही, तू आगे बोलेगी कि छोड़ी नहीं, चलो छोड़ो खत्म हुआ जो भी हुआ, तेरे यादों में जैसे मैं जोगी हुआ, मैंने अपने यादों से खोदक हुआ, उसी कुएं में डूबा हुआ। थैंक यू एवरीवन। चलिए, तो थैंक यू आयुष कि आप यहाँ पर आए और अपना, आपने जो है अपना हिडन टैलेंट दिखाया। तो ऐसे ही बाकी के लोगों को भी मौका मैं देते रहूंगी, क्योंकि ये जो स्टेज है ये एक मौका होता है अपना टैलेंट दिखाने का जनता के सामने, जनता जनार्दन जो कि हमारे कलाकारों को इतना प्यार देती है, उनका हौसला बढ़ाती है। तो ऐसे ही तालियों के माध्यम से आपको हौसला बढ़ाना है। आयुष के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसके साथ ही मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिशियन आप देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए, अब आपका इंतजार खत्म करते हैं और मीना राणा जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि आपका मनोरंजन करेंगे बहुत सारे गीतों के साथ में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीना राणा जी के लिए।
जोगी मच्छर मोहना अरे सच बल मा जोगी मच्छर अरे दगड़ियों का बीच मोहना तेरी अलग पहचान मोना अच्छा गीत मीना राणा जी ने आप सभी के सामने सुनाया और इस गीत के बिना मुझे लगता है कोई भी शादी पार्टी अधूरी है क्योंकि इस गीत पर आप सभी लोग अक्सर थिरकते रहते हैं नाचते रहते हैं तो आगे भी नाचने और थिरकने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज की इस नाइट की आखिरी परफॉर्मेंस रोहित चौहान जी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं लेकिन फिक्र मत कीजिए बैक टू बैक आपके लिए बहुत सारे गाने रोहित चौहान जी लेकर के आ रहे हैं और इसके साथ ही जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त भाई बहन आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए होंगे तो उनके लिए अगर आप चाहते हैं कि काश वो भी यहाँ पर होते और ऐसे एंजॉय कर पाते आज की इस नाइट को तो आपको क्या करना है आप सभी के पास में फोन है तो अपने फोन में फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम आप सभी चलाते हैं तो उसमें आपको सर्च करना है बालाजी लाइव टीवी और बालाजी लाइव टीवी जब आप सर्च करेंगे तो उसको सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और आज की इस नाइट को लाइव आप देख सकते हैं अभी भी ये जो प्रोग्राम चल रहा है लाइव बालाजी टीवी पर चल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने उन रिश्तेदारों भाई बहनों और दोस्तों को जो कि आज यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं और अभी आगे काफी दिन ये जो प्रोग्राम है चलने वाले हैं तो उन प्रोग्रामों को भी जो है लाइव आप बालाजी लाइव टीवी पर देख सकते हैं आज जैसे कि 47वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन मेले में आप पहुंचे हैं तो चलिए अभी के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रोहित चौहान जी को और आप सभी लोग अपने कदमों पर थिरकने के लिए तैयार हो जाइए जोरदार तालियां एक बार बालाजी लाइव टीवी के लिए और इसके साथ ही रोहित चौहान जी के लिए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए अरे छोरी चंदेरा अरे ज्यादा ना शर्मो अपना बाबू ते अरे इतना ना टरको वो तेरी आंखों में देखी अरे प्यार भी ना दिखेड़ू अरे बोल दे दिल की बात ये ना तना ना सर को छोरी चंदेरा अरे ज्यादा ना शर्मो अरे अपना बाबू ते अरे इतना ना टरको अरे छोरी चंदेरा अरे ज्यादा ना शर्मो अपना बाबू ते अरे इतना ना डर को बोली दे दा मन की बात दिल माने लुकांदा है दिल सुचवे से चांदू तेरू साया में दिखांदू अपनी प्यार की डगर मा अद बाटा नी लटको छोरी चंदरा अरे ज्यादा ना शर्मो अपना बाबू ते अरे इतना ना टरको अरे छोरी चंदरा अरे ज्यादा ना शर्मो अपना बाबू ते अरे इतना ना टरको तो
आप सभी का दिल से धन्यवाद, आज आप यहाँ पर पधारे और आज की इस शाम को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रंगीन आपने बनाया है। तो आगे भी बहुत सारे दिन हैं जहाँ पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है, और ऐसे ही आज जैसे पहुंचे हैं वैसे ही आगे भी पहुंचते रहिएगा। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और सभी टीम मेंबर का, सभी गणमान्य जितने भी लोग इस मेले को आयोजन कर रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी।